नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सुनाली। एक बार फिर किसान संगठन बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी में किसानों ने 75 घंटों का महाधरना शुरू किया है। अनाज मंडी में होने वाला यह धरना 21 अगस्त तक चलेगा। इस प्रदर्शन में किसान नेता राकेश टिकैत, दर्शन पाल, जोगेंद्र उग्राहा, योगेंद्र यादव, मेधा पाटकर जैसे बड़े चेहरे शामिल है। इस महाधरने में शामिल होने के लिए किसान देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं। किसानों की प्रमुख मांग 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हुए किसान आंदोलन को खत्म किए जाने के लिए सरकार की ओर से किए गए वादों को पूरा करना है। इस रिपोर्ट में देखिए। लखीमपुर खीरी में किसानों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। 75 घंटों का धरना किसानों ने गुरुवार को शुरू किया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में राजापुर कृषि उत्पादन मंडी समिति में गुरुवार से अपनी लंबित मांगों के लिए किसानों ने 75 घंटे का धरना शुरू कर दिया है। धरना भारतीय किसान यूनिट, टिकैत और संयुक्त किसान मोर्चा के कई घटक मिलकर कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में न्याय की मांग को लेकर 18 से 20 अगस्त तक धरना प्रदर्शन करेगा। पिछले साल 3 अक्टूबर को जिले के तिकुनिया इलाके में भड़की हिंसा के दौरान लखीमपुर खीरी में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। केंद्र सरकार की ओर से वापस लिए गए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेने, साल भर के विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की भी मांग किसान कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष दिलबाग सिंह ने कहा कि उनकी लंबित मांगों को लेकर दबाव बनाने के लिए 75 घंटे के धरने का आयोजन किया गया है। बीकेयू और टिकैत के राष्ट्र संगठन सचिव भूदेव शर्मा ने कहा कि किसान 3 अक्टूबर 2021 को तिकुनिया हिंसा के सिलसिले में केंद्र गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग करेंगे, जिसमें उनके बेटे आशीष मिश्रा प्रमुख आरोपी हैं। इस बीच पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई अन्य हिस्सों से किसान प्रदर्शन में भाग लेने के लिए लखीमपुर पहुँचने लगे हैं। किसानों के आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। धरना में बीकेयू के राष्ट्र अध्यक्ष नरेश टिकैत और राष्ट्र प्रवक्ता राकेश टिकैत के अलावा दर्शन सिंह पाल, जोगेंद्र सिंह उग्राहन, योगेंद्र यादव और संयुक्त किसान मोर्चा के अन्य प्रमुख नेता भी शामिल हैं। किसानों के प्रदर्शन के दौरान शांति बनाए रखने के लिए विशेष रूप से तैयारियां की गई हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ करीब 2 साल तक हुए किसानों के आंदोलन के दौरान लखीमपुर खीरी एक बड़ा केंद्र बनकर उभरा था। वहां केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर कुछ आंदोलनकारी किसानों पर अपनी गाड़ी चढ़ा देने का आरोप लगा था। इसमें 4 किसानों की मौत हो गई थी। बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। उनकी जमानत का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी थी। इस समय वो जेल में बंद है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस साल 26 जुलाई को उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।